बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल के एडवांस फीचर्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम आपको एमएस एक्सेल में बनाए गए किसी भी वर्कशीट को आप किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी वर्कशीट को अगर आप फिजिकल पेपर पर मुंतकिल करना चाहते हैं तो ये अमल कहलाता है प्रिंटिंग स्प्रेडशीट्स, और MS Excel आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी स्प्रेडशीट को प्रिंट करवाते हुए अगर आप उसकी ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, स्केलिंग या फिर पेज टाइटल वगैरह को चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक पेज मौजूद है और अब इस पेज को प्रिंट करवाने के लिए आप सबसे पहले इस मेन्यू बार में जो सबसे पहला मेन्यू आपको नजर आ रहा है फाइल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पेज नजर आ रहा है जो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी अगर आप अपने इस पेज को जो कि प्रिंट होने जा रहा है उसकी पहले से कुछ शक्ल देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद किस तरह का दिखेगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, इसको और बड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इस जूम इन पेज पर क्लिक करेंगे तो आप इसको और ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बराबर में आपको एक और बटन नजर आ रहा है शो मार्जिन का, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपको आपके इस पेज पर जितनी भी मार्जिन होंगी वो आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों याद रखिए मार्जिन्स के मानी ये है कि आपका पेज शुरू होने से पहले दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे की जानिब कितनी स्पेस उस पेज में मौजूद होगी, ये चीज कहलाती है मार्जिन्स। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा होगा सेटिंग्स का ऑप्शंस, ये वो सेटिंग के ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप अपने पेज की ओरिएंटेशंस, मार्जिन्स, स्केलिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे पहला ऑप्शन नजर आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स का। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट्स का, यानी जो भी शीट इस वक्त आपकी एक्टिव होगी जिस पर आप काम कर रहे होंगे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही शीट प्रिंट होगी। लेकिन अगर इसके नीचे आप देखिए तो एक और ऑप्शन नजर आ रहा है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। याद रखिए आपकी जो एक्सेल की शीट्स है, अगर आपकी एक्सेल है वो एक्सेल के डॉक्यूमेंट जो है वो मल्टीपल शीट्स पर मुश्तमिल होती है, और हम एक्सेल की एक डॉक्यूमेंट को वर्कबुक का नाम देते हैं, वो जो वर्कबुक होती है वो मल्टीपल शीट्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वर्कबुक को देखिए, प्रिंट सेटअप की, प्रिंट सेटअप इस वर्कबुक का नाम है और इसके अंदर इस वक्त दो शीट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रिंट इंटायर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन के नीचे वाले ऑप्शन में प्रिंट इंटायर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है प्रिंट सिलेक्शन का। दोस्तों प्रिंट सिलेक्शन के मानी है कि आप जो भी चीज अपने पेज पर सिलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इतने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से इस प्रिंट एक्टिव शीट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस भी एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था अब सिर्फ और सिर्फ वही एरिया प्रिंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मर्जी से किसी भी एक्टिव शीट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इंटायर वर्कबुक को प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस एरिया के जरिए, इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है 1 of 4, यानी आपकी जो वर्कशीट है ये चार पेजेस पर मुश्तमिल है और इस वक्त जो एक्टिव पेज है वो 1 है। तो दोस्तों ये चीज कहलाती है पेजेस, यानी आपकी वर्कबुक में पेजेस कितने हैं। अब आप यहाँ पर कितने पेजेस को, इन चार में से कितने पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप उनकी तादाद यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 to 4 पेजेस को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और कितने पेजेस को प्रिंट करवाना चाहती हूँ 2 से लेकर 4 तक के पेजेस को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैंने 2 to 4 लिख दिया। इस तरीके से आप इनकी तादाद यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितने भी पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्वालिटेड का। दोस्तों क्वालिटेड के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स के अगर आपकी वर्कशीट में 3 पेजेस हैं तो अगर आप इनको इस तरह से प्रिंट, अगर आप क्वालिटेड पर क्लिक करेंगे तो
तो अब आपके पेजेस जो है वो पहले वन पेज प्रिंट होगा, फिर सेकंड वाला पेज, फिर थर्ड वाला पेज, फिर अगेन अगर आप उनको तीन दफा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अगेन पहले वन पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर दोबारा से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके अनकोलेटेड पर क्लिक करेंगे तो अब पहला पेज पहले तीन दफा प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज तीन दफा प्रिंट होगा और फिर तीसरा पेज तीन दफा प्रिंट होगा। तो ये आप तब यूज करते हैं जब आपको एक ही पेजेस को एक मल्टीपल टाइम्स आपको प्रिंट कराना होता है, तो आप कोलेटेड और अनकोलेटेड के सहारे आप ये काम कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। याद रखिए दोस्तों किसी भी पेज की दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट आपका एमएस एक्सेल आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रदान करता है और पोर्ट्रेट की मीनिंग है कि आपका पेज वर्टिकली आपको शो होगा, लंबाई में आपको शो होगा। अगर हम इसको लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पेज जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से आपको शो होगा। तो दोस्तों ये था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसके नीचे आपको नजर आ रहा है पेज साइज। दोस्तों आमतौर पर जो हमारे पेजेस प्रिंट होते हैं उनका साइज A4 होता है, तो आप A4 पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लेटर साइज चाहिए तो आप लेटर साइज पर क्लिक करेंगे। अगर आपको और साइज चाहिए, अगर आप अपनी मर्जी का कोई साइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मोर साइजेस पर क्लिक करके वो साइज असाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी नॉर्मल पेज चाहिए तो हमने A4 पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो आपको सेटिंग नजर आ रही है ये कहलाती है मार्जिन्स। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखें तो ये आपकी नॉर्मल मार्जिन है, यानी मार्जिन के माने ये है कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड पर कितनी स्पेस आपको छोड़नी है। तो अगर हम यहाँ पर वाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन ज्यादा नजर आएंगी। अगर हम यहाँ पर नैरो पर क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन कम हो जाएंगे, ये देखिए। और दोस्तों नॉर्मल के अंदर ये मार्जिन नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर आप इसको अपनी तरफ से कोई मार्जिन देना चाहते हैं तो आप इस कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ से मार्जिन असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई हेडर या फिर फुटर असाइन किया हुआ है तो आप उसकी मार्जिन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो वो मार्जिन असाइन हो जाएगी। इसके बाद आती है स्केलिंग। दोस्तों स्केलिंग के माने ये है कि अगर आपके वर्कबुक के अंदर चार पेजेस मौजूद है, एक वर्कशीट के अंदर यहाँ पर चार पेजेस मौजूद है, तो अगर दोस्तों अगर आप इन चारों पेजेस को एक ही पेज पर फिट करना चाहते हैं तो आप फिट शीट ऑन वन पेज पर क्लिक करेंगे। तो आप देखिएगा कि अब आपके चारों पेज एक ही पेज पर आ गए हैं, इनका साइज इतना छोटा हो गया, इतना छोटा कर दिया गया है कि एक ही पेज पर फिट हो गए हैं। और ये देखिए अब आपकी वर्कशीट के चार पेजेस नहीं रहे बल्कि वो एक ही पेज हो गए हैं। अब दोस्तों अगर आप इसके नीचे वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यानी आपकी वर्कशीट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, अगर आप उन तमाम कॉलम्स को एक पेज के ऊपर फिट करना चाहते हैं तो आप इस फिट ऑल कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप तमाम रोस को एक पेज पर फिट करना चाहते हैं, एक पेज पर लाना चाहते हैं, तो आप फिट ऑल रोस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप स्केलिंग की अपनी तरफ से भी कोई स्केलिंग करना चाहते हैं तो आप कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस कस्टम स्केलिंग पर आपको क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो पर आपको नजर आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ स्केलिंग के ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है एडजस्ट टू 100% नॉर्मल साइज, यानी यहाँ से आप अपनी मर्जी का साइज अपने फॉन्ट्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी 100% है, मैं इसको रिड्यूस करके कम करके 65% कर देती हूँ और फिर मैं ओके पर क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा कि इसका साइज कितना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से इसके नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है फिट टू, यानी आप अपने पेजेस को कितने नंबर्स तक फिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये टू पेजेस हैं और मैं इसको वन पेज तक ही इसको फिट करना चाहती हूँ अपने तमाम पेजेस को, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिट टू पर क्लिक किया, फिट टू वन पेज। और दोस्तों मैं इसको वाइड भी, यानी इसकी चौड़ाई भी एक पेज तक ही मैं इसको रखना चाहती हूँ, तो मैंने लिख दिया पेज वाइड बाय वन, यानी आप इसकी चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं और लंबाई कितनी रखना चाहते हैं तो वो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा पूरा पेज जो है, यानी जितने भी मेरे पास पेजेस थे मेरी वर्कशीट में, वो तमाम पेजेस एक ही पेज के ऊपर फिट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को स्केलिंग, आप अपने पेजेस की खुद से भी स्केलिंग कर सकते हैं इस तरह से स्केलिंग्स वगैरह प्रोवाइड करके। दोस्तों इसके बाद आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है नीचे पेज सेटअप का। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, नो स्केलिंग पर क्लिक कर देते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है पेज सेटअप का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी पेज ए, जिसके अंदर आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड शीट।
दोस्तों अगर आप पेज पर देखिए तो ये अभी हम आपको बता चुके हैं कि इनका क्या क्या मकसद होता है। मार्जिन के अंदर भी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर आप कितना स्पेस चाहते हैं वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है हेडर एंड फुटर का। हेडर और फुटर के माने ये है कि आप अगर अपने पेजेस पर कोई हेडर या फुटर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी ड्यूरिंग प्रिंटिंग भी आप इसको दे सकते हैं। तो अगर मैं हेडर डाल देती हूँ, कोई पेज नंबर डालना चाहती हूँ मैं हेडर, तो मैंने पेज नंबर दे दिया, और फुटर के अंदर मैं शीट नंबर डाल देती हूँ इस तरीके से। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर खुद से यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर असाइन हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हेडर है और ये फुटर। तो आप इस तरीके से ड्यूरिंग प्रिंटिंग भी आप हेडर एंड फुटर असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको चौथा ऑप्शन नजर आ रहा है वो है शीट का। तो दोस्तों इसके माने ये है कि अगर आप यहाँ पर देखिए तो यह है पेज नंबर वन, और पेज नंबर वन के टॉप पर आपको टाइटल ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे पेज नंबर टू पर आपको कोई टाइटल नजर नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो अगर कोई बंदा इस वाले पेज को देखता है तो उसको समझ नहीं आएगा कि आया ये डेट्स किस लिए डली हुई है, ये सेंट्रल के मायने क्या है, ये पेंसिल या ये डेस्क वगैरह क्या है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये हेडर की वजह से आपको ये तमाम चीजें इजीली समझ आ जाएंगी, विच मीन्स के इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर हम हर पेज पर टाइटल डालना चाहें तो वो आप किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले दोबारा से इस पेज पर जाएंगे, पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट टाइटल्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वही वाली विंडो जो पीछे खुली थी वो आपको नजर आ जाएगी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि प्रिंट टाइटल्स के ऑप्शन में कि आप किस रोस को हर पेज पर रिपीट करना चाहते हैं। आप इसके इस ऑप्शन पर इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर से इसको रॉ बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इस रॉ को हर पेज पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, हर पेज के टॉप पर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने दोबारा इस ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब आप दोबारा से प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन पर जाने के बाद अब आप देखिएगा कि आपको हर पेज के टॉप पर ये बॉर्डर यहाँ पर ये नजर आएगा। ये देखिए, ये पेज टू पर भी आपको नजर आ रहा है, पेज थ्री पर भी आपको नजर आ रहा है, और पेज फोर पर भी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज के टाइटल को अगर हर एक पेज पर शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था एक लॉन्गर मेथड के जिसके जरिए आप पहले फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रिंट की सारी सेटिंग नजर आ जाएंगी। अगर आप इसको एक शॉर्टकट की के जरिए करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी, पी फॉर पेंसिल, कंट्रोल पी को एक साथ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से इस पेज पर इजीली जा सकते हैं। दोस्तों ये हमने सेटिंग्स तमाम समझ ली हैं। अब बारी आती है कि हम अपने पेजेस की कितनी कॉपीज चाहते हैं। आया वन चाहते हैं, टू चाहते हैं, थ्री चाहते हैं, तो हम यहाँ से कॉपीज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके कंप्यूटर के साथ एक से ज्यादा प्रिंटर्स अटैच हैं तो यहाँ से आप उन प्रिंटर्स को सिलेक्ट करेंगे जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद आप इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपका ये पेज प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो तमाम ऑप्शंस थे जिनके जरिए आप किसी भी पेज को एमएस एक्सेल के अंदर प्रिंट करवा। दोस्तों यहाँ पर हमारा स्प्रेडशीट का चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने एमएस एक्सेल को एज अ सॉफ्टवेयर हमने सीखा कि आप किस तरीके से कोई भी स्प्रेडशीट बना सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, और आखिर में हमने सीखा कि आप किस तरीके से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और लास्ट चैप्टर आपकी इस बुक का, विच इज चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।